क्लास 10th मैथमेटिक्स जो आरडी शर्मा, ठीक है ना, उसका जो एक्सरसाइज 1.5 है उससे आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि इसके क्वेश्चन रिपीटेड हैं, इसमें भी रिपीटेड हैं, और कुछ क्वेश्चन हम एनसीईआरटी में भी करके आए हैं। तो उन क्वेश्चनों को करके इस वीडियो को लेंथी नहीं करना है, क्योंकि एनसीईआरटी में हम पढ़ ही चुके हैं उन चीज़ों को। तो वो जो क्वेश्चन आएंगे एनसीईआरटी से रिलेटेड उनको मैं स्किप कर दूंगा, क्योंकि वो हम पढ़ चुके हैं। और वो क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है, आपको रिवीजन करना है, तो आप एनसीईआरटी की वीडियोस देख लीजिएगा तो सही रहेगा। एनसीईआरटी में पूरी ख़त्म करा चुका हूँ। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मैंने सारे पेजेस को लिख लिए हैं, क्वेश्चन को लिख लिए पेजेस में, ठीक। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला, शो दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल, ठीक है। इसके चार पार्ट हमें दे रखे हैं, हमें ये बताना है कि ये जो चार पार्ट्स हैं वो के सारे के सारे के हैं इरेशनल हैं, ठीक है। सो पहले वाले पार्ट में आ जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल। पहला वाला पार्ट है 1/√2, इसको हमें प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है। तो रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा ना, ठीक। तो हम मान लेंगे 1/√2 इज अ रैशनल नंबर, ठीक। हमने मान लिया कि 1/√2 क्या एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो आपको पता है हर एक रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ पर P और Q क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। Q की वैल्यू नहीं होती, ज़ीरो नहीं होती है ना, नीचे आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, ऑल्सो HCF जो होता है PQ का, वो किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल, ठीक है। PQ आपस में क्या होना चाहिए, को प्राइम। इट मीन्स अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना होता है। बस लॉजिक क्या है कि आपको रूट को एक तरफ रखना है, बाकी दुनियादारी को दूसरी तरफ, ठीक है। और एक चीज़ आपको मैं और बताना चाहता हूँ, क्या है कि अगर कोई रैशनल नंबर है, जैसे कि सपोज करो 1/2 एक रैशनल नंबर, तो अगर इसका मैं रेसिप्रोकल करता हूँ 2/1, ये भी रैशनल नंबर होगा। बस किसको छोड़कर, एक नंबर दुनिया में ऐसा है जो इस प्रॉपर्टी का होल्ड नहीं करता, ज़ीरो को छोड़कर, एक्सेप्ट ज़ीरो। क्योंकि 0/1 तो एक रैशनल नंबर है, लेकिन 1/0 एक रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि डिनोमीटर में ज़ीरो आ जाता है। सो दुनिया में एक ऐसा नंबर है 0, इसको छोड़कर बाकी सारे, अगर कोई नंबर रैशनल नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल भी रैशनल नंबर होता है, ठीक है। किसको छोड़कर, सिर्फ 0 को छोड़कर। तो देखो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूँ तो √2/1 और ये Q/P लिख सकते हैं, वैसे रेसिप्रोकल कर दिया तो इधर के अपन के पास है √2, इधर Q/P, क्योंकि P/Q पहले से ही रैशनल नंबर था और हमने पहले ही बता रखा है कि Q यहाँ पर 0 नहीं है, ठीक है। अब देखो आपको क्या लिखना होता है, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान दो, सिंस Q/P इज अ रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है, बट वी नो दैट हम जानते हैं कि जो √2 है, रूट के अंदर कोई भी अगर प्राइम नंबर होता है तो वो क्या होता है, इरेशनल नंबर। बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल नंबर, हैंस क्या √2 और ये Q/P रैशनल और इरेशनल कभी बराबर हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, नहीं। हैंस √2 कैन नॉट बी इक्वल Q/P, यानी कि जो हम मान के चल रहे थे कि 1/√2 एक रैशनल नंबर है, वो यहाँ पर उल्टा साबित हो रहा है ना। तो हमें क्या लिखना है, हैंस इट इज अगेंस्ट आवर हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है अवधारणा, जो भी हम मान के चल रहे थे, ठीक है। देयरफॉर 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर,
हैंस प्रूव्ड। ठीक है, देखो प्रॉपर लैंग्वेज मैंने लिखा है, ज़्यादा लंबा चौड़ा लैंग्वेज मैंने यूज़ नहीं किया, सिंपल लैंग्वेज यूज़ किया है। ठीक है, किताबी लैंग्वेज से हट के तो आपको लगभग हर क्वेश्चन में इसी टाइप का लैंग्वेज लिखना पड़ेगा लगभग। ठीक है, आया समझ में? अगर वीडियो अच्छी लग रही हो या क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक कर दो और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लग रही है और आपको नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पर चाहिए। अब सेकेंड पार्ट पर आ जाते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, 7.5 है, तो वही सेकेंड पार्ट में भी वही करना है। लेट 7.5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर है तो इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर क्यू की वैल्यू क्या नहीं होगी, ज़ीरो। और बाद बाकी जो लैंग्वेज फॉलो होगी वो तो अब मैं बता ही चुका हूँ, पी और क्यू इंटीजर हैं और एस सी पी क्यू का वन होगा, ये भी लिख देना। ठीक है, फिर क्या लिखोगे आप? मैंने आपको रूल बताए हैं कि रूट वाले को एक तरफ रखना होता है, बाकी दुनिया तरह को दूसरी तरफ। तो ये इधर मल्टीप्लाई में इधर के क्या हो जाएगा, डिवाइड में, यहाँ पर आ जाएगा 7Q। और ये बोर्ड में आया था इस बार एग्ज़ाम में। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो और चाहो तो यहाँ पर लिख भी दो वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड को प्राइम। ठीक है, ये भी लिख देना सर लगे हाथ। अब देखो रैशनल नंबर को अगर आप रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो रैशनल नंबर ही रहते हैं। यहाँ पर पी अपॉन क्यू एक रैशनल नंबर है, उसको मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, 1/7 से मल्टीप्लाई किया, तो वो भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, आपको एक नोट में लिखा देता हूँ, फ्यूचर में हमेशा याद रहेगा, आर के लिए रैशनल, आई के लिए रैशनल। ठीक है, रैशनल इंटू रैशनल रैशनल। ठीक है, फिर रैशनल इंटू इरेशनल इरेशनल, रैशनल प्लस रैशनल रैशनल, रैशनल माइनस रैशनल रैशनल। ठीक है, रैशनल प्लस इरेशनल इरेशनल, रैशनल माइनस इरेशनल इरेशनल। ठीक है, फिर इरेशनल गुणा इरेशनल, डिपेंड करता है ये चीज़ रैशनल भी हो सकती है, इरेशनल भी हो सकती है, क्योंकि अगर सेम टाइप का दो इरेशनल नंबर ले लोगे तब तो आपका रैशनल देगा सेम टाइप पे। जैसे मैंने दे दिया √3 × √3, तो ये 3 आ गया, 3 क्या होता है, एक रैशनल नंबर। और अब एक दर मैंने एक लिख दिया √2 और एक दर √3, तो ये क्या है, √6, एक इरेशनल नंबर है ना, तो ये डिपेंड करता है। ये नोट आया समझ में, हमेशा फ्यूचर में हेल्प करेगा, तो ये याद रखना है इसको। अब यहाँ पे आ जाओ, फिर से वही लिखोगे जो पहले वाले पार्ट में लिखा था, सिंस वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर एंड पी अपॉन 7Q इज अ रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है ना, देयर फॉर फ्रॉम फर्स्ट। रैशनल कभी इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता, इक्वल नहीं हो सकता, ठीक, हैंस इट इज अगेंस्ट आर हाइपोथेसिस। तो ये हमारी हाइपोथेसिस के अगेंस्ट है, देयरफॉर 7√5 इज अ इरेशनल नंबर इज एन, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट में। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या है, 6 + √2,
ठीक है, तो लेट कर लेंगे, लेट 6 + √2 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर माना है तो हर एक रैशनल नंबर किस फॉर्म में लिखा जाता है, पी अपॉन क्यू, जहाँ पर क्यू की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती, पी क्यू इंटीजर होते हैं और पी क्यू आपस में को प्राइम भी होते हैं। ये बार बार आपको लिखना पड़ेगा तो मैं आपकी आपसे नहीं लिखूँगा, ठीक है, समझ जाना। मैं लॉजिक पहले ही बता चुका हूँ, रूट को एक तरफ रखो, बाकी दुनिया तरीके दूसरे तरफ। पी अपॉन क्यू है रैशनल नंबर, प्लस का 6 इधर आके माइनस का 6 होगा, 6 के हैं एक्चुअली रैशनल नंबर, है ना। तो वही चीज क्या, सिंस पी अपॉन क्यू माइनस 6 इज अ रैशनल नंबर, बट वी नो दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, हेंस रूट टू कैन नॉट बी इक्वल, है ना। कभी रैशनल और इरेशनल आपस में इक्वल हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। हेंस इट इज अगेंस्ट आवर हाइपोथेसिस, हेंस इट इज अगेंस्ट आवर हाइपोथेसिस, देयरफॉर 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है भाई, बिल्कुल डिक्टो। वो प्लस में था, बस यहाँ पर माइनस में दे रखा है कि नहीं। ये माइनस वाला उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। एकदम सिंपल क्वेश्चन, अब लैंग्वेज नहीं लिखूँगा, बाकी पार्ट में करा दे रहा हूँ, फोर्थ पार्ट। लेट 3 - √5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अभी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं एंड की तरफ, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन चल रहे हैं। तो क्या लेट करते हैं, पी अपॉन क्यू, जहाँ आप क्यू की वैल्यू ज़ीरो नहीं है, पी और क्यू इंटीजर हैं और पी क्यू आपस में को प्राइम है, ये लिखते ही लिखते हैं। तो देखो, पी अपॉन क्यू प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का, ये माइनस का इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का। ये क्या है, रैशनल नंबर, ये है इरेशनल नंबर, ये कभी बराबर नहीं हो सकता। वही चीज़ लिखोगे ना, सिंस वी नो दैट 3 - p / q इज अ रैशनल नंबर, बट √5 इज एन इरेशनल नंबर, हैंस इट इज नॉट कैन नॉट बी इक्वल, देयरफॉर इट इज अगेंस्ट आवर हाइपोथेसिस, देयरफॉर 3 - √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक, लिख देंगे ना प्रॉपर वही लैंग्वेज। देखो सेम ये वाला थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, इस वाले थर्ड की तरह होगा, है कि नहीं। ये मैं दे रहा हूँ आपको होमवर्क, ठीक है। ये फोर्थ वाला क्वेश्चन सेकंड वाले की तरह होगा, बिल्कुल सेकंड वाला भी कराया है ना हमने, ये आप कर लेंगे। एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट की तरह होगा, लेकिन मैं इन दोनों को करा के दिखाता हूँ, आपको थोड़ा अजीब लग सकता है। इन दोनों को हम करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड को, बाकी थर्ड एंड फोर्थ से मिलता जुलता क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो ये दो प्रॉब्लम आप खुद करना होमवर्क पे, ठीक है। अब आते हैं इसके सेकंड के फर्स्ट पर। लेट 2 / √7 इज अ रैशनल नंबर, क्या मान लिया इसको हमने, रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसे मैं पी बट्टा क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहाँ पर क्यू की वैल्यू क्या नहीं होगी, ज़ीरो, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड को प्राइम। ठीक है, को प्राइम का मतलब होता है इनका अगर एचसीएफ निकाला जाए तो 1 आएगा। तो वही रूल है, देखो भाई क्या कर देना है, क्या करना है,
मल्टीप्लाई कर दो, रूट को एक तरफ रखो भाई, तो टू या मल्टी अपॉन में रखे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ये वो मल्टीप्लाई में रखे डिवाइड में, या अपॉन में रखे अपॉन वाला ऊपर रखे मल्टीप्लाई में, हो गया भाई सिंपल एकदम। ये क्या है इरेशनल नंबर, ये क्या है रैशनल नंबर, क्योंकि क्यू अपॉन पी रैशनल नंबर है, उसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे, टू भी एक रैशनल नंबर है, रैशनल इंटू रैशनल रैशनल ही होता है, अभी मैंने आपको बताया था। देयरफॉर ये चीज इसके इक्वल नहीं हो सकती, हेंस इट इज अगेंस्ट आवर हाइपोथेसिस, देयरफॉर टू अपॉन रूट सेवन इज एन इरेशनल नंबर। ठीक, जैसे क्वेश्चन अभी तक हम करते हैं उसी तरीके से होगा, बिल्कुल डिक्ट हो ये है कि नहीं, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, इसके सेकंड पार्ट में थ्री अपॉन टू रूट फाइव, अब इस क्वेश्चन में लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, लैंग्वेज आप समझ गए ना क्या क्या लिखना जा लिखा जा रहा है हर बार। तो रैशनल नंबर माना है तो किस फॉर्म में लिखोगे आप, पी अपॉन क्यू, जहाँ क्यू की वैल्यू ज़ीरो नहीं है और पी और क्यू आपस में इंटीजर हैं और को प्राइम है, ठीक है हर बार लिखते हो वही रूल, रूट को एक तरफ रखना है बाकी दुनियादारी को एक तरफ, ये अपॉन में इधर के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में, ये डिवाइड में इधर कर मल्टीप्लाई में, ये क्या है थ्री अपॉन टू, क्या रैशनल नंबर, क्यू अपॉन क्यू है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई रैशनल नंबर से करोगे तो रैशनल नंबर आते हैं, तो लेफ्ट साइड हमारा रैशनल नंबर है, राइट साइड हमारा इरेशनल नंबर है, ये कभी इक्वल नहीं हो सकते। सो लैंग्वेज में आप क्या लिखोगे, सिंस थ्री क्यू अपॉन टू पी इज अ रैशनल नंबर बट वी नो दैट अंडर रूट फाइव इज अ इरेशनल नंबर, हैंस इट इज़ नॉट इक्वल, लिख देने के बाद क्या लिखोगे, हैंस इट इज़ अगेंस्ट आवर हाइपोथेसिस, सो थ्री अपॉन टू रूट फाइव इज़ अ इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर, ये लिख दोगे आप, सिंपल आराम से हो गया। ठीक, तो दो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं जो कि मिलते जुलते क्वेश्चन है, वो आप खुद कर सकते हो, है ना, प्रैक्टिस के तौर पर। अब आ जाऊँ, जैसे ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ किया था हमने थ्री माइनस रूट फाइव वाला, वैसे ही क्वेश्चन नंबर ये थर्ड है, मैंने बोला ना बहुत ही एक जैसे प्रॉब्लम दे रखे हैं, बस नंबर को चेंज किए हैं। जैसे ये मैंने फोर प्लस रूट टू वाला दिया है, वैसे ये थ्री प्लस रूट टू वाला प्रॉब्लम है, इसे भी आप कर सकते हैं होमवर्क, है ना, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है, ठीक है, बस डिजिट चेंज हुए हैं, बाकी तरीका तो वही रहेगा। ये देखो 2009 में आ रखा है सीबीएसई में, ये 2008 में आ रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ थोड़ा सा अलग आया है, इसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और सिक्स्थ सेम टू सेम प्रॉब्लम है, इन दोनों में से कोई एक करूँगा मैं, एक आप कर लेना, ठीक है। ये सिक्स सेवन सब इन तीनों में से एक करूँगा, चारों में से देखो ये जो चार प्रॉब्लम है फाइव सिक्स सेवन एट बिल्कुल मिलते जुलते प्रॉब्लम है, ठीक है। सो एक ये बिल्कुल सेम टू सेम प्रॉब्लम है, तो मैं कोई दो कर दूंगा, एक ये कर देंगे और ये कर देंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा ले लेते हैं फिफ्थ। देखो आप बोलोगे सर आप क्वेश्चन छोड़ रहे हो,
तो मिलते जुलते क्वेश्चन करके वीडियो लेंथ क्यों बनाना है ना, वो तो आप खुद भी कर सकते हो, देख देख के भी, मिला मिला के भी कर सकते हैं। जब तक क्वेश्चन आप खुद नहीं करोगे ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं, और आप पे एक हैबिट बन जाएगी कि जब तक आपको समझाया ना जाए, जब तक आपको हिंट नहीं आता ना दिया जाए, आपसे क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं। सो ये हैबिट बहुत ही बेकार होती हैं, ठीक है। फिर हम किसी पर डिपेंड हो जाते हैं फुली एकदम, हमारा दिमाग चलना बंद हो जाता है। एक दो क्वेश्चन मिलते जुलते दे रहा हूँ मैं, डिफरेंट वाले तो नहीं दे रहा हूँ ना, मिलते जुलते क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आप बनाओ, आपकी प्रैक्टिस हो और आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि हाँ मेरे से क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं कर लूँगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट, उसका उल्टा मान लेंगे, लेट 4 - 5√2 इज अ रैशनल नंबर। इसको मैंने क्या मान लिया, रैशनल नंबर। तो पता ही आपको रैशनल नंबर मानने पे क्या होता है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ पर क्यू की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड पी एंड क्यू ऑल्सो को प्राइम, ठीक। ये बार बार लिखना होता है हमें, लॉजिक वही है कि रूट वाले को एक तरफ रखो, बाकी दुनियादारी को दूसरी तरफ। ये माइनस के पी अपॉन क्यू इधर के क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस के पी अपॉन क्यू इधर के क्या होगा, माइनस के पी अपॉन क्यू, और ये माइनस के इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के 5√2। कोई दिक्कत नहीं है, बस ये 4 एक रैशनल नंबर है, पी अपॉन क्यू एक रैशनल नंबर है, रैशनल में से रैशनल माइनस करोगे तो रैशनल आएगा, और रैशनल को रैशनल से डिवाइड करते तो भी रैशनल आता है, है ना। तो ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। ज़्यादा सॉल्यूशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस यहीं पे छोड़ दो। फिर से वही क्या लिखना है, सिंस 4 upon p - q upon 5 इज़ अ रैशनल नंबर, एंड √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो रैशनल और रैशनल और इरेशनल के बराबर हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, नहीं। हैंस ठीक है, हैंस इट इज आवर अगेंस्ट आवर हाइपोथेसिस, हैंस इट इज अगेंस्ट आवर हाइपोथेसिस, जो हमारी अवधारणा है उसके ये क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। देयरफोर जो हमने माना था वो गलत आ गया है। देयरफोर 4 - 5√2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, बन गया प्रॉब्लम। और मैंने पहले ही अपने वीडियोस में बता रखे हैं हाउ टू प्रूव √2 इज एन इरेशनल नंबर, √3 इज एन इरेशनल नंबर, √5 इज एन इरेशनल नंबर, √7 इज एन इरेशनल नंबर, कैसे प्रूव करते हैं वो मैं पहले ही बता चुका हूँ एनसीईआरटी वीडियोस में, है ना। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी बन गया। अब देखो डिक्टो इस प्रॉब्लम की तरह ये भी है, बस नंबर चेंज कर दिए गए हैं, है ना, 4 की जगह 5 कर दिया, 5 की जगह 2 कर दिया, दैट्स इट, डिजिट चेंज हुए, बल बाकी प्रोसीजर तो बिल्कुल सेम है। ये प्रॉब्लम भी बिल्कुल सेम है, देखो डिजिट चेंज कर दिया है बस, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने कर दिया, उसकी तरह 6 होगा, उसकी तरह ही 8वां होगा, होगा तो 7वां भी वैसा। तो आप बोलोगे सर आप तो सारा ही दे दे रहे हो होमवर्क, तो मैं ये कर ही देता हूँ। आप खुद देखोगे कि सर मैं जो बता रहा हूँ मिलते जुलते प्रॉब्लम है, आपका ही टाइम वेस्ट होगा। मैं और टीचरों की तरह नहीं हूँ कि आपका टाइम बना ले लूँ और वीडियो लेंथी कर दूँ। वीडियो लेंथी करने पे मेरा फ़ायदा है, वीडियो जितनी लेंथी होगी मेरा वॉच टाइम ज़्यादा उतना आएगा, उतनी ज़्यादा एड्स अंत में लगा पाऊँगा, बट मैं ऐसा नहीं सोचता और होगी तो ना। क्वेश्चन नंबर 7 उसी तरीके से लेट कर लेंगे, उल्टा लेट 2√3 - 1 इज अ रैशनल नंबर,
तो रेस्टल है तो भाई किस रूप में क्या करते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पर क्यू की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती, पी और क्यू आपस में इंटीजर होते हैं और पी और क्यू आपस में को प्राइम होते हैं। अब देखो रूल वही है, रूल तो वही है, माइनस का वन उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का वन, पी अपॉन क्यू एक रैशनल नंबर है, वन भी एक रैशनल नंबर है, ठीक। और ये टू देखो इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, पी प्लस पी अपॉन क्यू प्लस वन एक रैशनल नंबर था, टू भी एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड करने पर भी रैशनल नंबर ही मिलता है, तो फिर से वही लिखोगे सिंस पी अपॉन क्यू प्लस वन बाई टू इज अ रैशनल नंबर, बट वी नो दैट रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। हम जानते हैं कि रूट थ्री क्या है, इरेशनल नंबर है, सो इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के कभी इक्वल हो ही नहीं सकता, हैंस रूट थ्री कैन नॉट बी इक्वल, ठीक। हैंस इट इज अगेंस्ट आवर हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस मतलब जो भी हमने माना था वो उसके क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। देयरफॉर टू रूट थ्री माइनस वन इज एन इरेशनल नंबर, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये प्रॉब्लम भी हो गया आराम से। अब कुछ प्रॉब्लम जो आ रहे हैं आरडी शर्मा की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से एग्जाम में आता है, ठीक है, बहुत आता है क्वेश्चन नंबर ये 9, ये 10, 11, ये 12, ये चार प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमें सारा करना है, मैं सारा करवाऊँगा, ठीक है। बाकी जो मैंने छोड़े हैं मिलते जुलते प्रॉब्लम है, प्लीज़ गाइस खुद से ट्राई करना, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे, हमें प्रूव करना है कि रूट फाइव प्लस रूट थ्री एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। प्रूफ वही उल्टा मान लेते हैं, लेट अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट थ्री इज अ रैशनल नंबर। देखो ये प्रॉब्लम है ना हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट रूट फाइव प्लस रूट थ्री इज अ इरेशनल नंबर। तो क्या करेंगे, इरेशनल रैशनल है तो क्या करते हैं, पी अपॉन क्यू लेट कर लेते हैं, जहाँ पर क्यू की वैल्यू क्या नहीं है, ज़ीरो नहीं है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड को प्राइम, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। अब लॉजिक वही है कि रूट एक तरफ रखो बाकी दुनियादारी को दूसरी तरफ, बट इसमें ये होगा ना, एक नंबर को आप दूसरी तरफ लोगे तो दोनों तरफ रूट रूट आ जाएंगे, तो हमें तब तक सिंप्लीफिकेशन करना है कि जब तक एक तरफ अंडर रूट ना आ जाए और एक तरफ रैशनल नंबर ना आ जाए, तब तक आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो मैं क्या करूँगा, ये रूट थ्री प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूँगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर करूँगा रूट फाइव का, रूट का स्क्वायर करने पर रूट हट जाते हैं, फाइव बचेगा, यहाँ से पी अपॉन क्यू माइनस रूट थ्री होल स्क्वायर। आपको पता ही है ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस के टू ए बी, है कि नहीं। इस फॉर्मूले से हम इसको क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे, खोल देंगे, ए का स्क्वायर अंडर रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो थ्री माइनस के टू ए बी, ठीक। अब देखो क्या करना है आपको,
इधर फाइव है, प्लस का थ्री इधर का माइनस का थ्री, पी अपॉन क्यू स्क्वायर इधर आकर माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं, और इस तरफ क्या बचा फिर माइनस का टू पी क्यू रूट थ्री। ठीक है, यहाँ तक आ गया। फाइव में से थ्री माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, टू। देखो अब सिर्फ एक तरफ रूट दिख रहा है, बाकी कहीं इस तरफ रूट नहीं है, तो वही लॉजिक यूज़ करना है कि रूट को एक तरफ रखो, बाकी दुनियादारी को दूसरी तरफ। ठीक है, तो यहाँ से हम नेगेटिव कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस की टू, और यहाँ से टू पी अपॉन क्यू रूट थ्री। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल। अब देखो p अपॉन q रैशनल नंबर था, उसका स्क्वायर करोगे तो भी रैशनल नंबर आएगा। अगर मेरे पास दो एक रैशनल नंबर है, उसका मैं स्क्वायर कर दूंगा, फोर आएगा, वो भी तो रैशनल नंबर होगा, है कि नहीं? तो रैशनल नंबर का स्क्वायर करने पर रैशनल नंबर आता है, रैशनल नंबर से रैशनल नंबर माइनस करोगे तो भी रैशनल नंबर है, और ये पूरा जो टर्म है वो क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये मल्टीप्लाई में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा नहीं करना है, बस आपको अपना कॉन्सेप्ट बताना है पूरा, हो गया। इसे इक्वेशन मान लो, मेन टारगेट आपका वही होना चाहिए कि रूट वाले को एक तरफ रखना है, बाकी दुनियादारी को दूसरी तरफ, तो वही लिखना है। सिंस पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस टू टू पी अपॉन क्यू इज अ रैशनल नंबर, बट वी नो दैट रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है? तो ये चीज इरेशनल है, ये चीज रैशनल है, कभी इक्वल हो सकती है? कभी भी नहीं। देयरफॉर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, कैन नॉट बी इक्वल, हैंस इट इज अगेंस्ट आवर हाइपोथेसिस, ये हमारे हाइपोथेसिस के अगेंस्ट है, देयरफॉर अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर, हैंस प्रूव्ड। कितना सिंपल है, ठीक है, आराम से हो गया। तो ये क्वेश्चन भी हमने आराम से कर लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर टेन पे है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। रूट थ्री, थ्री एक प्राइम नंबर है, बट फोर एक कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है, और परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर है, तो इसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं। एक्चुअली ये जो दिया हुआ है वो उस रूप में है नहीं, इसको सही सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टेन, सिंस रूट थ्री प्लस रूट फोर है, इट कैन बी रिटन एज रूट फोर, फोर का स्क्वायर रूट कितना होता है, टू। ये है हमारे पास नंबर, तो ये तो बहुत आसान है भाई। लेट रूट थ्री प्लस रूट टू इज अ रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है, ये हमने मान लिया है। अब रैशनल नंबर है तो इसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर क्यू की वैल्यू क्या नहीं होगी, ज़ीरो नहीं होगी, एंड पी और क्यू आपस में इंटीजर होंगे, और पी और क्यू आपस में को प्राइम भी होंगे। ओके, वही लॉजिक, प्लस का टू इधर का क्या हो जाएगा, माइनस का टू। बस पी अपॉन क्यू एक रैशनल नंबर है, टू एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर इज ऑल्सो अगेन अ रैशनल नंबर, तो वही लिखना है। सिंस पी अपॉन क्यू माइनस टू इज अ रैशनल नंबर, बट वी नो दैट रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर,
हैंस हैंस क्या कभी रूट थ्री इरेशनल है, ये चीज़ इरेशनल है, रैशनल और इरेशनल अभी कभी इक्वल हो सकते हैं? कभी नहीं। ये दोनों तो अपने जानी दुश्मन है, कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो जो हमने माना है वो गलत प्रतीत हो रहे हैं, हैंस इट इज अगेंस्ट आवर हाइपोथेसिस। तो जो हमने माना है वो वे इसके क्या अगेंस्ट है, ठीक। देयरफॉर रूट थ्री प्लस रूट फोर इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या है, इरेशनल नंबर है, यही प्रूफ करना था, आराम से हो गया, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट दो क्वेश्चन में। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 9 से मिलता जुलता है, बट कोई दिक्कत नहीं, मैं करवा दूंगा इसको भी। एंड क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि क्या बोल रहे हैं, प्रूव दैट रूट पी इज़ एन इरेशनल नंबर वेयर पी इज़ अ प्राइम नंबर। तो इसने एक क्वेश्चन के अंदर हज़ारों क्वेश्चन घुसेड़ दिए, हज़ारों लाखों क्वेश्चन घुसेड़ दिए, समझ पा रहे हो आप? पी को क्या बोला उसने, प्राइम। सो प्राइम नंबर क्या होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc, ये सारे नंबर हैं, यानी कि हर एक नंबर की इसलिए बात कर दी इसने। हमको बताना है कि जितने भी इस तरीके के नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं, और यही हमें प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 11। तो लेट अंडर रूट पी इज एन इज अ रैशनल नंबर। देखो हम पी अपॉन क्यू मानते थे, यहाँ पर उसने पहले ही भाई सर ने पी दे दिया हमें, तो हमें कुछ अब की बार कुछ डिफरेंट नंबर डोनेशन करना पड़ेगा। रूट पी को हम पी अपॉन क्यू मत लिख देना, ए अपॉन बी लिख रहा हूँ मैं, ए अपॉन बी। नोटेशन तुम कुछ भी दे सकते हैं ना, एक्स अपॉन वाई भी लिख सकता था मैं, पी ए अपॉन बी लिखा, वेयर बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड ए एंड बी आर को प्राइम, ठीक है। सो इसके अपन लोग कुछ वन मान लो, इसमें थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर चलता है, इसमें लेंथी प्रोसेस चलता है, क्योंकि आप अपना डायरेक्ट बोल नहीं सकते कि रूट पी एक प्राइम नंबर है, आपको दिखाना है। सो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इज़ टू रूट पी बी, ठीक है। फिर क्या करना होता है, दोनों तरफ स्क्वायर। ये स्टेप्स हैं जो कि हर क्वेश्चन में फॉलो होते हैं, इस टाइप के स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इधर से ए स्क्वायर हो जाएगा, इधर से अंडर रूट पी का स्क्वायर पी हो जाएगा, और यहाँ क्या जाएगा, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मल्टीपल क्या है, पी है। तो आप लिखेंगे सिंस ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय पी, देयरफॉर ए इज आल्सो डिविजिबल बाय पी, ठीक है। सब देखो, अगर आपके पास 9 है, 9 3 से कटते हैं, तो 9 का स्क्वायर अगर कर दें 81, वो भी तो 3 से कटेगा। अगर 81 3 से कट रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट 9, वो भी 3 से डिवाइड होगा, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, लेट यहाँ पे जो भी नंबर होते हैं, ठीक है, वो लिखते हैं यहाँ पर, लेट ए, और यहाँ पर जो भी होता है वो यहाँ लिखते हैं, पी आर। फिर क्या करते हैं, अगेन स्क्वायरिंग करते हैं दोनों तरफ, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड। तो यहाँ ए का स्क्वायर हो जाएगा पी का स्क्वायर, पी स्क्वायर आर का स्क्वायर आर स्क्वायर। सिंस ए स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है
क्या है वो? पी बी स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट हम यहाँ रख सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा पी बी स्क्वायर, पी स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लेट क्यों करते? कई बच्चे मेरे से पोस्ट क्वेश्चन पूछते सर ऐसा आपने क्यों लेट कर दिया, क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि ए और बी, ए अपॉन पी, बी के फॉर्म में होता है ना रेशनल नंबर, तो ए और बी के जो डिवीज़न है उनका जो को प्राइम होना चाहिए वो वन नहीं होगा, को प्राइम नहीं होगा। ए भी सेम नंबर से डिवाइड होगा, बी भी सेम नंबर से डिवाइड होगा, ये हमारा मेन टारगेट होता है, जो कि वन नहीं है, कुछ और है, 2 3 5 कुछ भी हो सकता है वो। इसी वजह से वो को प्राइम जब नहीं रहेंगे तो वो रैशनल भी नहीं रह सकता। इसी कॉन्सेप्ट के लिए हमें इस तरीके को लेट करना पड़ता है। देखो इस पी से काटोगे यहाँ से एक पावर कम हो जाएगी, यहाँ 2 थी तो एक पावर कम हो जाएगी, तो बी स्क्वायर इसका स्टू क्या जाएगा, पी आर स्क्वायर। देखो पी आ गया ना यहाँ पर, यहाँ पर भी वही पी आया था, अब वही लिखोगे सिंस बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई पी, देयर फोर बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई पी। ठीक है, तो देखो क्या मिला आपको, ए बी पी से कट रहा है, डिवाइड हो रहा है, बी भी पी से डिवाइड हो रहा है, सिंस ए एंड बी इज डिविजिबल, ए एंड बी बोथ डिविजिबल बाई पी, देयर फोर जो एच सी एफ होना चाहिए था ए और बी का वो पी आया है, जिसको जो कि वन के इक्वल नहीं है, वन आना चाहिए था लेकिन आ रहा है पी भाई। ठीक है, तो ये को प्राइम तो नहीं है, देयर इट्स इम्प्लाइज ए एंड बी आर नॉट को प्राइम, देयर फोर इट इज अगेंस्ट आवर हाइपोथेसिस। ठीक है, अगेंस्ट आवर हाइपोथेसिस, तो ये हमारी अवधारणा के विपरीत है, देयर फोर रूट पी इज एन इरेशनल नंबर वेयर पी इज अ प्राइम नंबर। ठीक, यही प्रूफ करना था हमें, आराम से कर दिया। तो ये क्वेश्चन हमारा इजीली बन गया। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रूफ करना है रूट पी प्लस रूट क्यू इज एन इरेशनल नंबर, बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन की तरह है, 9th की तरह। देखो यहाँ पर भी 5 3 है, दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं, यहाँ पर पी और क्यू दोनों प्राइम नंबर हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, लेट रूट पी प्लस रूट क्यू इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब रैशनल नंबर तुमने बोल दिया है तो आपको पता ही है क्या करना है, उसको ए अपॉन बी के फॉर्म में लेट कर लेना है। लेट क्या करना है, होता ही होता है ए अपॉन बी के फॉर्म में, जहाँ पर बी की वैल्यू क्या नहीं होती, ज़ीरो, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड को प्राइम। ओके, वही लॉजिक है, अंडर रूट को एक तरफ रखना है, बाकी दुनिया तरफ को दूसरी तरफ। ठीक है, फिर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पर स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा, पी आ जाएगा, रूट हट जाएगा और यहाँ लग जाएगा। ठीक, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, रख देंगे यहाँ पर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, रूट हट जाएगा माइनस के, 2 ए और ये बी के प्लस पी है। ठीक,
तो नेगेटिव के इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव का? ये प्लस के इधर आके क्या होगा माइनस का? पी क्या है? एक इंटीजर है। क्यू क्या है? एक इंटीजर। ठीक है, इंटीजर है, भले ही वो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर भी तो इंटीजर्स होते हैं। और ए अपॉन बी को आपने प्राइम रेशनल बोला था। ये एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर में रेशनल नंबर ऐड होता है तो रेशनल नंबर आता है, रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर माइनस होता है तो रेशनल नंबर बचता है। और ये भी एक क्या है पूरा रेशनल नंबर। तो ये मल्टीप्लाई में इधर के क्या हो जाएगा? डिवाइड में। ठीक है, ये पूरा क्या है? एक रेशनल नंबर। ये क्या है? इरेशनल नंबर। अभी हमने प्रूव किया था कि रूट पी रूट क्यू एक इरेशनल नंबर होगा। कब? जब क्यू एक क्या हो? प्राइम नंबर हो। सिंस क्यू इज अ प्राइम नंबर, देयरफॉर रूट क्यू इज एन इरेशनल नंबर। ये आपको बताना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं लिख सकते हैं। सिंस ये एक रैशनल नंबर है, बट रूट क्यू इज एन इरेशनल नंबर, ये क्या है? इरेशनल नंबर। तो आप क्या बोलोगे? ये जो इरेशनल है और ये जो रैशनल है वो कभी आपस में इक्वल नहीं हो सकते। हेंस रूट क्यू कैन नॉट बी इक्वल विथ ठीक है, hence it is against our hypothesis। ठीक है, hence it is against our hypothesis। Therefore, root p plus root q is an irrational number where p and q आर प्राइम नंबर। ठीक, ये आपका पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में ज़रूर आया होगा। जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं, जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो मिलते जुलते प्रॉब्लम थे, आपसे हो जाएंगे, इतना मेरे को बिलीव है आप लोगों पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना।